देखो बुद्ध ने कोई आत्मा के बारे में जवाब नहीं दिया, इसका मतलब है कि बुद्ध ने आत्मा को डिनाई नहीं किया, मना नहीं किया। अरे मूर्ख लोगो। पूरी दुनिया में बुद्ध की फिलॉसफी, बुद्ध का दर्शन, बुद्ध का दर्शन, बुद्ध की टीचिंग, भारत की ओरिजिनल टीचिंग ऑफ फिलॉसफी बहुत तेजी से फैल रही है। अगर आपको इस बात की तहकीकात करनी है तो आप अपने मोबाइल पे कोई सा भी शब्द टाइप कर दीजिए, बुद्धा इन जापान, बुद्धा इन यूएसए, बुद्धा इन जर्मनी, बुद्धा इन फ्रांस, बुद्धा इन इटली, बुद्धा इन अफ्रीका, तो आपको पता चलेगा कि कितनी सारी जानकारी गूगल ने आपको एक साथ उस शब्द के अगेंस्ट में दे दी। इतने सारे फोटो, इतने सारे चित्र, इतने सारे बिहार, पूरी दुनिया में बहुत तेजी से इसके जानकार, इसके प्रैक्टिस करने वाले और इस फिलॉसफी से लाभ उठाने वाले बढ़ते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं। तो इसके विरोध में भी कुछ लोग फैलते जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं, दरअसल उनको घबराहट हो रही है। ये एक बड़े ही दुख की बात है कि बुद्ध जैसा व्यक्ति जिसकी फिलॉसफी में किसी को तिनका भी मारने का, यानी एक जो ग्रास है, ग्रास का एक छोटा सा टुकड़ा भी, एक घास का छोटा टुकड़ा भी मारने का, तिनका भी मारने का कहीं कोई जिक्र तक नहीं है, उस व्यक्ति की फिलॉसफी के अगेंस्ट में कुछ लोग सक्रिय होके और प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, उसकी बुराइयां कर रहे हैं और बड़े अलग तरीके से बुराइयां कर रहे हैं। मैं उसका कुछ एग्जाम्पल आपको दे देता हूं, आप थोड़े से देखेंगे तो समझ जाएंगे। दो व्यक्ति जिनका बुद्ध से कोई लेना देना नहीं है, वो किसी और मत के हैं, किसी और संप्रदाय के हैं, मगर वो बुद्ध में इंटरेस्ट ले रहे हैं। क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं? जब आपका समुदाय नहीं है, आपका कोई वो उपास्य नहीं है, आप उस फिलॉसफी को मानते नहीं है, आपका उस दर्शन से, उस जानकारी से या बुद्ध से कोई लेना देना है नहीं, तो क्यों आप बुद्ध के दर्शन में इंटरेस्टेड होके उसकी बातें कर रहे हैं जो बातें आपको पता ही नहीं है? तो क्या उठाते हैं और क्या कहते हैं? कहेंगे कि बुद्ध आत्मा के बारे में क्या कहते थे, मतलब बुद्ध को आत्मा से जोड़ के और आत्मा के बारे में बुद्ध के साथ चर्चा करेंगे। बुद्ध ने तो कभी सिंगल भी शब्द कहा नहीं आत्मा के बारे में, सोल के बारे में कभी नहीं कहा, जिक्र भी नहीं किया। किसी ने अगर प्रश्न किया भी होगा तो वो मौन रहे, समझदार आदमी है जिसका कोई जवाब नहीं उसमें मौन ही रहना चाहिए। तो क्या कहेंगे वो विद्वान लोग? देखो बुद्ध ने कोई आत्मा के बारे में जवाब नहीं दिया, इसका मतलब है कि बुद्ध ने आत्मा को डिनाई नहीं किया, मना नहीं किया। अरे मूर्ख लोगो, अगर मना करते तो इसका मतलब कोई चीज है, उसकी एग्जिस्टेंस मान लेते वो। जब आप किसी चीज के लिए मना करते हो तो उस शब्द को इस्तेमाल करते हो तो एग्जिस्टेंस हो जाते हैं। बुद्ध जैसा सम्यक सम ज्ञानी है, जिसको बोधि प्राप्त है, वो जानता है कि जिस शब्द का है ही नहीं, उसका अस्तित्व नहीं है, उसके बारे में हाँ करने से, ना करने से, चर्चा करने से समय व्यर्थ होता है, कोई फायदा नहीं है। मगर उन लोगों को बुद्ध और आत्मा को जोड़ के लेके आना है। क्यों लेके आते हो भाई, क्या लेना देना तुम्हारा? कहेंगे देखो बुद्ध ने ना यस किया ना नो किया, इसका मतलब उन्होंने नो नहीं किया। अरे यस भी तो नहीं किया, तुम खाली नो को पकड़ रहे हो कि भगवान बुद्ध ने आत्मा के बारे में कुछ नहीं कहा, तो इसका मतलब उन्होंने मना नहीं किया। अरे हाँ भी तो नहीं किया, आत्मा के बारे में तो बोले ही नहीं, एक शब्द नहीं बोले, तो मूर्ख हो, कम से कम लोगों का समय तो खराब मत करो। फिर कहेंगे देखो बुद्ध ने जन्म और मृत्यु के बारे में ऐसा कहा और पुनर्जन्म को माना। अरे बुद्ध ने कभी भी पुनर्जन्म के बारे में कोई बात नहीं कही, बुद्ध ने हमेशा अगले जन्म के बारे में बात कही। उन्होंने ये कहा कि ये जितने भी जीव जंतु पैदा होते हैं, इनका अगला जन्म जो है, अब पुनर्जन्म और अगला जन्म तो समझ लो कि क्या होता है क्या नहीं होता है। पुनर्जन्म होता है कि मैं जैसा बैठा हूं सुधीर, जैसा मेरा रूप रंग काठी भजन और मेरे हाथ पैर हैं सारे, ऐसा ही सुधीर फिर पैदा हो जाए, कहीं भी पैदा हो जाए, इसको पुनर्जन्म बोला जाता है, पुनर्जन्म पुनर्जन्म। और अगला जन्म जो होगा,
यानी कि मैं जो कर्म सिद्धांत कर रहा हूं, मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो जिस तरह से इसको लेगा और जो मेरा स्वभाव बनेगा उस स्वभाव के अकॉर्डिंग में मैं जहां भी अगला बर्थ लूंगा उसका पूरा प्रोसेस उन्होंने बताया कि कैसे बर्थ होता है, तो अगला बर्थ है। और वो ये भी कहते हैं कि इस बर्थ को खत्म भी किया जा सकता है, यानी टर्मिनेट करना, एनिहिलेट करना, विनाश करना, जड़ से खत्म करना, इसका निरुद्ध करना, इसको निरुद्ध करना, ये आपके हाथ में है। ये बुद्ध ने सिखाया कि अगर आप अपने जन्म को टर्मिनेट करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, तो हो सकता है। बुद्ध ने खुद अपना जन्म टर्मिनेट किया, उन्होंने कहा अब मेरा अगला जन्म नहीं होगा। और उनके जितने भी शिष्य थे जो अर्हत हो गए यानी इस लेवल पे पहुंच गए, उनका भी अगला जन्म नहीं होगा। तो वो पुनर्जन्म के बारे में तो एक शब्द नहीं बोलते, मगर अगला जन्म तो सच्चाई है। अगला जन्म सच्चाई इसलिए है क्योंकि मैं बैठा हूं, मेरा बेटा है, वो उसका जन्म हुआ है, और जो मेरे पिता हैं उनका जो जन्म है उनसे मैं पैदा हुआ हूं। तो अगला जन्म तो निश्चित चल रहा है ना, जानवरों का भी चल रहा है, कीट पतंगों का भी चल रहा है, मछलियों का भी चल रहा है, हमारा भी चल रहा है। तो जन्म से जन्म हो रहा है, जन्म से जन्म हो रहा है, मगर इसका सिद्धांत उन्होंने बिल्कुल सही बताया है। और उन्होंने ये बताया है कि एक सिर्फ मनुष्य के हाथ में है कि वो अगला जन्म नेक्स्ट बर्थ को खत्म कर सकता है। वो उन्होंने जो पटिच्च समुपाद है उसके अंदर पूरा सिद्धांत बताया हुआ है। फिर क्या कहेंगे लोग, मतलब खामे का बुद्ध को लपेटे मिलेंगे। बुद्ध ने वेदों के बारे में क्या कहा? अरे भाई, बुद्ध ने पूरी जिंदगी वेद पे ही काम किया है और वेदों के खिलाड़ी रहे और वेदों के मास्टर रहे और वेदों के फिलोसफर रहे हैं, और बुद्ध से ज्यादा वेदों को कोई नहीं जानता। क्योंकि वेदनाओं का क्या रूप होता है और वेदनाएं कैसे काम करती हैं, वेदनाएं कैसे जन्म देती हैं, अगला जन्म कैसे देती हैं, वेदनाएं कैसे बदलती हैं, कैसे तीव्र वेदनाएं होती हैं, कैसे पीड़ादायक वेदनाएं होती हैं, कैसे सुखदायक वेदनाएं होती हैं, कैसे दुखद वेदनाएं होती हैं, काली वेदनाएं, सफेद वेदनाएं, कैसे वेदनाएं उम्र बढ़ाती हैं यानी आयु विज्ञान, कैसे वेदनाएं लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं। बुद्ध के अलावा अभी तक की हिस्ट्री में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इसके अंत तक पहुंच गया हो। इसलिए उनको लोकांतेश्वर भी बोलते हैं, लोकांतेश्वर यानी शरीर, लोक माने शरीर और अंत माने बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक, और इसी माने वैज्ञानिक और वर माने श्रेष्ठ, यानी कि वो शरीर के अंत तक पहुंचने वाले सबसे श्रेष्ठ वैज्ञानिक रहे हैं, उनसे ज्यादा कोई रहा नहीं अभी तक। तो वेदों की जितनी बड़ी जानकारी उन्होंने दी और जितना बड़ा वो लिख के गए या बता के गए, लिखा तो बाद में गया है मगर बता के गए और सिखा के गए, उतना तो वेदों पर किसी ने काम ही नहीं किया। क्योंकि जो प्राचीन में उनसे पहले वेदों पर काम करते आ रहे थे, वेदनाओं पर काम करते आ रहे थे, सेंसेस पर काम करते आ रहे थे, जो हम अनुभव करते हैं तरंगे उस पर काम करते आ रहे थे, वो तो बहुत थोड़ा था। फिर वो मूर्ख लोग क्या कहते हैं, देखो उनके जो दो गुरु थे वो गुरु फलानी फलानी मान्यता के थे। अरे भाई, उन्होंने कई जगह गए, 6 साल उन्होंने जगह जगह लोगों के पास गए, वो जो लोगों के पास ज्ञान था वो सारा ज्ञान वहां सीखते थे और एक प्रश्न करते थे कि भाई आपने हमें जो बताया था वो तो हमने सब सीख लिया पर दुख नहीं गया, भाई दुखों का कारण नहीं पता चला, भाई दुख का निवारण नहीं पता चला, भाई दुख के निवारण का रास्ता नहीं पता चला। हम तो दुख के कारण को ढूंढना चाहते हैं कि दुख का कारण क्या है। तो टीचर क्या कहते थे, भाई हमारे पास तो यही था जो हमने सिखाया, आप चाहो तो हमारे गुरुकुल में आ जाओ और इसकी शेयरिंग कर लो, ऐसा करो अब आप यहां हमारी ही पदवी पे आ जाओ और आधे शिष्य आपके आधे हमारे, यही प्रॉपर्टी होती थी उनकी, हमारे साथ रह के काम करो। तेरे नहीं, बात नहीं बनी, अभी तो सवाल का जवाब नहीं मिला, और छोड़ देते थे। और लास्ट में सारे उनके शिष्य जितने भी गुरुओं के थे वो सब बुद्ध की शरण में आए। क्योंकि ज्ञान कहीं कोई, नॉलेज कहीं बंधक नहीं है, ज्ञान और नॉलेज कहीं ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर कोई गरीब तबका है, कोई गरीब है, कोई लाचार है, कोई कमजोर है तो वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, और कोई बहुत रईस है और बहुत पैसे वाला है, बड़ा ताकतवर है तो वो सारा ज्ञान ले लेगा, वो किसी को ज्ञान देगा नहीं। एक ज्ञान ऐसी चीज है कि ये व्यक्ति खुद ही कमाता है और उसका मालिक खुद ही होता है, इसको बांटेगा तो बढ़ेगा, नहीं बांटेगा तो घटेगा, और ये कभी भी किसी जोर जबरदस्ती से या पैसे से या ताकत से या सत्ता से नहीं प्राप्त होता, ये तो मेहनत करने से प्राप्त होता है। तो बुद्ध ने 6 साल रगड़ कर मेहनत की, भूखे प्यासे रहे, आपने उनका फोटो देखा होगा जब उनकी आंखें अंदर धस गई, उनकी हड्डियां पेट से जाके पूरी तरह से खाल उनकी चिपक गई,
रीढ़ की हड्डी से और उनसे उठाने गया चलाने गया पहला ज्ञान प्राप्त हुआ कि शरीर अगर कमजोर होगा तो ज्ञान को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ज्ञान खोज नहीं सकता, क्योंकि बीमार शरीर से ज्ञान नहीं हासिल हो सकता, उसके लिए स्वस्थ शरीर चाहिए। इसलिए ये कहना कि उनके गुरु फलाने थे ढिलाने थे, पाली के समय बुद्ध के समय बहुत सारे सद नहीं है। आजकल जो धार्मिक व्यवस्थाएं चलती हैं ये तो एक भी शब्द नहीं था, वहां एक भी शब्द नहीं मिलता, दूर दूर तक भी कोई नाम भी नहीं मिलता। इसलिए ये कहना कि बुद्ध के गुरु किसी उसके रहे तो इसलिए बुद्ध पे उनका प्रभाव रहा, बिल्कुल झूठ है। अगर प्रभाव रहा होता तो बुद्ध उन जैसे होते, एक नई फिलॉसफी को ढूंढ के ना लेके आते। इसलिए बुद्ध एक बेस्ट टीचर रहे, एक बेस्ट वैज्ञानिक रहे, साइंटिस्ट बेस्ट रहे, एक अच्छे कार्यकर्ता रहे, क्योंकि उन्होंने जगह 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 लोगों को पूरी जिंदगी पढ़ाया, जंगल साफ किए, उस जगह पे आराम बनाया, वहां पे लोग रमण करते थे, रमते थे, ध्यान साधना में तपते थे, और जो रमण करते थे उनको राम बोलते थे। इसलिए बिहार के अंदर जगह 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 बहुत सारे राम हो गए, और इसलिए बिहार के लोगों का खास तौर से नाम के आगे पीछे राम लिखा होता है, राम हरि राम, यानी कि उनके पिताजी कहीं रमते होंगे जिनको राम बोलते होंगे, इसलिए उनके पुत्र राम हो गए, राम हरि राम। ऐसे करके वहां बहुत सारा जो सिस्टम है वो चलता है। तो आप इस बात को देखिए और ध्यान रखिए कि भाई तेरा बुद्ध से लेना देना क्या, तेरा क्या मतलब है, तू बुद्ध की फिलॉसफी को जानता नहीं, दर्शन को मानता नहीं, बुद्ध के बारे में तेरी विचारधारा ठीक है नहीं, और तू बुद्ध के बारे में बात कर रहा है तो निगेटिव ही बात करेगा, अच्छी बात तो करेगा नहीं। तुम अपने संप्रदाय की बात करो, तुम अपने उपास्य की बात करो, तुम अपनी बात करो ना। अगर बुद्ध को मानने वाले, हालांकि करते नहीं है, बुद्ध को मानने वाले तुम्हारे उपास्य की बात करना शुरू करते हैं तो क्या बोलेंगे, उन्हें तो कोई जानकारी है नहीं, तो बोलेंगे क्या, तो अनाठ अनाठी बोलेंगे, तो बोल के वो अपना जवान क्यों खराब करें। तो आप ये बातें रहने दो, बुद्ध बहुत पावरफुल है। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Thank you.
Kamesu mitcha chara vir mani sikha padam smadhyami.